कांग्रेस के नेता सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं। मंदिर मस्जिद के हैं और ऐसे मुद्दों को हवा देने का काम केंद्र सरकार करती ताकि ये जो वास्तविकता के मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं लोगों के, वो एक पॉलिटिकल इशू ना बने। लेकिन देश के लोग समझ गए हैं कि महंगाई के खिलाफ भाजपा जब विपक्ष में थी तो क्या क्या नारे देते थे, क्या धरने करते थे। आज जब मेरे ख्याल 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया तो हमको हमारे कांग्रेस के मुख्यालय में जाने के लिए रोका गया, हम सबको थाने में बंद किया गया। ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार पहले देखी नहीं है। MPs को, नेताओं को, सब लोगों को थाने में डिटेन किया गया। तो ये सरकार जो भाजपा की बनी है ये झूठे वादे कर बनी थी और 8 साल के बाद अब उनकी पोल खुल चुकी है और इसीलिए जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी 4 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन कर देश को बताएगी कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ साथ 7 सितंबर को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हम कर रहे हैं और इसमें आपको जानकर खुशी होगी कि इस आयोजन में लगभग 3,500 किलोमीटर पैदल कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग चलेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इसमें लगभग 12-13 राज्यों में से यात्रा निकलेगी। जो बाकी राज्य हैं वहाँ के राज्यों से वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं, वहाँ का पानी लेकर यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा और ये भारत जोड़ने के साथ साथ देश में जो आज लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म करने का काम हो रहा है, कोई ट्वीट डाल देता है 5 साल पुराना, उसको उस पत्रकार को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, जो एक महंगाई, भ्रष्टाचार और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने का जो एक मुहिम केंद्र सरकार चला रही है उसके खिलाफ भारत की जो हमारी मूलभूत हमारी जो भावनाएं हैं, संविधान की जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, उनको रोकने के लिए, बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और शायद इसी का परिणाम है कि भाजपा बहुत बौखलाई हुई है और तमाम इश्यूज को साइडलाइन करने पे वो पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन 7 तारीख को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी 6 को वहाँ आएंगे और जहाँ राजीव गांधी जी का जहाँ उनको असैसिनेट किया था श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में, वहाँ जाने का कार्यक्रम है। फिर कन्याकुमारी जो अंतिम छोर है भारत का, वहाँ से पदयात्रा चालू होगी और ठीक कश्मीर तक आएगी। लगभग 3,800 किलोमीटर की यात्रा है, उसमें भी देश भर के लोग राहुल जी के साथ चलेंगे, हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक लोगों की भावनाओं को अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग जुड़कर एक एकता का संदेश देंगे। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और मैं समझता हूँ ये सही समय है एक देश में एकता का, एकजुटता का, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश देने का। उस सिलसिले में यात्रा 7 तारीख को चालू होने वाली है। आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं उधर गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ के चले गए और लगातार क्वेश्चन भी उठा रहे हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर भी। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था अपने वक्तव्य में कि पिछले 40-50 साल से जैसा सोनिया गांधी जी ने उदयपुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी को बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है और वो उनमें से वो शख्स है जिनको बहुत कुछ मिला है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, विपक्ष के नेता रहे हों, तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज समय था कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र की सरकार और भाजपा के खिलाफ एक मुहिम जो चल रही है उसमें साथ देने का, उसमें भूमिका निभाने का। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं और जैसा मैंने कहा, जब सोनिया गांधी जी खुद कह चुकी हैं कि जिन जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया है आज समय पार्टी को वापस देने का है, वो करने के बनस्पत वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो जनता और समय तय करेगा कि निर्णय कितना सही था कितना गलत था। बहरहाल हम लोगों का 4 तारीख का आयोजन पूरी तैयारी से हम लोग लगे हुए हैं और 7 तारीख की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये भी ऐतिहासिक होगी और सब मिलकर से पार्टिसिपेट करेंगे। संगठन चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया, क्या गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है पार्टी? देखिए, ये वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं उन्होंने खुद कहा है कि मिस्त्री जी जो चुनाव प्रणाली के हमारे CE के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है और जैसा वेणु जी ने कहा कि इस कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं उनको किसने वोट डाला, उन्होंने नामांकन कब भरा, किन किन लोगों ने कंटेस्ट किया, कौन कौन खिलाफ कर सकते थे, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां चुनाव की प्रक्रिया होती है, ओपन इलेक्शन है, कोई भी नामांकन भर सकता है। 24 से 30 सितंबर में कोई भी अपना नामांकन भरेगा और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिसको भी हमारे डेलीगेट्स वोट डालेंगे वो चुनाव जीत कर आएगा। और जैसा खुद AICC के सभी नेता बोल रहे हैं कि सब लोग, ये खुला चुनाव है, कोई भी लड़ सकता है इसमें, तो हमें इंतजार करना चाहिए परिणाम क्या आएंगे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कांग्रेस में एक खुले माहौल में चुनाव प्रक्रिया करने का हमारा जो इतिहास रहा उसको। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही नहीं, और ताज़ा खबरों के साथ फिर मिलेंगे।